जयसिंहपुर में पंडित यादव के सर पर ओपी की टोपी, ने सपा को उसके ही तीर से किया घायल। भाजपा का पंडित बोल रहा ओपी की बम बम। जयसिंहपुर में बसपा नहीं है किसी से कम। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल, सुल्तानपुर का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुल्तानपुर की जयसिंहपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला रोमांचक होने वाला है, कोई किसी से कम नहीं है। बसपा कैंडिडेट ओपी सिंह ने भाजपा और सपा को उसके ही तीर से घायल कर दिया है। हाथी पर सवार पंडित बम बम तो यादव हम भी नहीं किसी से कम बोल रहा है। जी हां, ये रोड शो है ओपी सिंह का, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं बाहुबली पूर्व विधायक पवन पांडे। पवन पांडे का ब्राह्मण मतदाताओं में बड़ा असर माना जाता है। जयसिंहपुर में भाजपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी राजबाबू उपाध्याय को मैदान में उतारा है, फिर भी पवन पांडे ओपी सिंह की फुल पैरोकारी में हैं। आप भी सुनिए पवन पांडे की पैरोकारी का अंदाज। आज थानों में दलाली हो रही है और जातिवाद के नाम पर लोग इधर उधर अपने अपनी रोटी सेक रहे, लेकिन भाई ओपी सिंह जात पात के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर सभी जनों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहे। हमारा समाज तो बहुत ही गौरवान्वित होता है कि आपका जिस तरह का आदर लिहाज और सम्मान देने का तरीका है। हमसे लोग आड़ में भी कहते हैं कि भैया नेताओं में अगर कोई है तो ओपी सिंह जी है। आज उसको ताकत देने के लिए, सम्मान देने के लिए यादव समाज, कुर्मी समाज, अति पिछड़ा समाज की 17 जातियां और क्षत्रिय समाज भी उसमें कंधे से कंधा मिलाकर सभी के साथ है। और ये अपील करता हूँ कि ओपी सिंह जी के साथ हमारी भी मर्यादा इसमें जुड़ी हुई है। वही ओपी सिंह की खुलकर मदद में सपा का कोर वोट बैंक माने जाने वाले यादव समाज के पूर्व मंत्री राम रतन यादव के बेटे राम विशाल यादव हैं। राम रतन यादव का सपना था कि 2022 में ओपी सिंह जयसिंहपुर का विधायक बने। पिता के सपने को पूरा करने के लिए राम विशाल यादव भी खुलकर मैदान में है। राम रतन यादव मेरे पिताजी का नाम था, वो निर्माण निगम के अध्यक्ष थे और बसपा से ही विधायक रहे। वो यादव भी हमारा वोट ओपी सिंह को कर रहा है। मेरे पिताजी को यादव समाज की मीटिंग लिए थे, उसमें कहा था कि हमारे लोग ओपी सिंह को जिताइए, और वो ख़त्म भी हो गए 7 तारीख को, और उन्होंने अपना आदेश दिया था हमारे सजातीय लोगों को, और इसी पर हम लोग चल रहे हैं। वही ओपी सिंह का दावा है उन्हें सभी जातियों का समर्थन है। निषादों की पार्टी वीआईपी ने भी उन्हें समर्थन कर दिया है, जिससे अब की बार मामला 1 लाख पार का होगा। देखिए, मैं जाति पात की राजनीति में भरोसा नहीं करता हूं, और बहुजन समाज पार्टी भी जातिवाद की राजनीति में भरोसा नहीं करता। हम तो सर्व समाज की बात कर रहे हैं, केवल पवन पांडे, केवल ओपी सिंह नहीं, केवल दलित नहीं, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। यादव कुर्मी, ये देखिए राम रतन यादव जी के बेटे राम विशाल यादव, ये देखिए डॉक्टर सरोज यादव, ये देखिए ये देखिए डॉक्टर सुभाष यादव, ये किरकिरी यादव, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़े। जो आप कहते हैं कि इस बार हैट्रिक लगी है, लगेगी तो क्या, कितने मतों? हैट्रिक 2 लगेंगे, 1 नहीं लगेगा। मैं 2 बार जीता हूँ, 1 प्रत्याशी भाजपा का यहाँ 2 बार हारा है। हैट्रिक 2 लगेगी, और वोटों की जो गिनती है ये कम से कम इस बार मेरा लक्ष्य है 1 लाख पार। 1 लाख पार इस बार, 1 लाख पार। फिलहाल जयसिंहपुर में त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। भाजपा के राजबाबू उपाध्याय, सपा के अरुण वर्मा और बसपा के ओपी सिंह के बीच कड़ी टक्कर के प्रबल आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।